हम आज पढ़ रहे हैं लीनियर कोरिलेशन के बारे में। अक्सर जिस साल बारिश अच्छी होती है उस साल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छा होता है इंडिया में, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बारिश पर डिपेंड करता है। जिस साल बारिश नहीं होती है फार्मर्स बेचारे परेशान हो जाते हैं, और बिफोर इंडिपेंडेंस तो मैच भी खेलनी पड़ती थी, है कि नहीं, राइट? तो ये एक इत्तेफाक नहीं है कि बारिश अच्छी हो रही है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। टेक अनदर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन जी, राइट, और अभिषेक बच्चन एंड अमिताभ बच्चन टुगेदर, अब इनके बीच में क्या समानता है? मतलब एक्टिंग स्किल्स छोड़ दीजिए, क्या समानता है? अगर आप हाइट सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब अभिषेक बच्चन जी की हाइट ज्यादा इसीलिए है एवरेज हाइट ऑफ मेन से, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी की हाइट एवरेज मेन की हाइट से ज्यादा है। टेक अनदर एग्जाम्पल, वरुण धवन एंड डेविड धवन। आप देखिए, वरुण धवन की हाइट ऑलमोस्ट डेविड धवन जितनी है, थोड़ी ही उसे ज्यादा है। तो हाइट ऑफ सन डिपेंड्स अपॉन हाइट ऑफ फादर। अगर हाइट ऑफ फादर एवरेज मैन हाइट से ज्यादा है तो उसके बेटे की हाइट भी जनरली वैसी होती है। तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये है कोरिलेशन। यहां से डेफिनेशन आती है कोरिलेशन की, इफ फ्लक्चुएशंस अकर इन टू रिलेटेड वेरिएबल्स ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट देन इट इज सेड देयर एग्जिस्ट कोरिलेशन बिटवीन देम। तो डायरेक्ट कॉज इफेक्ट बताया, जैसे अभिषेक बच्चन की हाइट अच्छी है, वो इफेक्ट है, उसका कॉज क्या है? अमिताभ बच्चन जी की हाइट अच्छी है। अब मैं आपको बता रहा हूं इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट, उसका एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब मान लीजिए अच्छी बारिश हुई है तो अम्ब्रेलास की सेल बढ़ जाती है, रेनकोट की सेल बढ़ जाती है, रेन बूट की सेल बढ़ जाती है। तो अम्ब्रेला की सेल बढ़ गई इसीलिए रेन बूट की सेल बढ़ गई, ऐसा नहीं है। अम्ब्रेला की सेल बढ़ना और रेन बूट की सेल बढ़ना डिपेंड करता है बारिश पर। तो इन दोनों की सेल में चेंज होती है। बारिश नहीं होती है तो अम्ब्रेलाज भी नहीं बिकते हैं, रेन बूट भी नहीं बिकते। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अम्ब्रेला नहीं बिक रही इसलिए रेन बूट नहीं बिक रहे। इन दोनों का डिपेंडेंट है एक थर्ड वेरिएबल पर, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट। तो डायरेक्ट कॉज इफेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट। अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो तीन टाइप्स ऑफ कोरिलेशन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। अगर सेम डायरेक्शन में चेंज होता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है तो नेगेटिव कोरिलेशन, और चेंज ही नहीं होता है तो लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। जैसे हाइट ऑफ फादर, हाइट ऑफ सन, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, पॉजिटिव कोरिलेशन का, बारिश बढ़ गई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा, बारिश नहीं है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं है। लैक ऑफ कोरिलेशन, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया एंड रेनफॉल इन अमेरिका, कोई लेना देना नहीं है, राइट? तो लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। कैसे मेजर करें? तीन मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में, वैसे चार हैं, स्कैटर डायग्राम, कालपियर्सन्स, प्रोडक्ट मोमेंट, स्पेयरमैन्स, एक और है कॉन्करेंट डेविएशन, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। कालपियर्सन मेथड में जब मीन एक्स बार एंड वाई बार दोनों इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं पता है ना, 14, 15, -6, ये इंटीजर्स हैं, 4.86, ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल नंबर है। ओके, तो जब दोनों इंटीजर्स हो, एक्स बार भी इंटीजर हो और वाई बार भी इंटीजर हो, मतलब एग्जैक्ट हो, तो फॉर्मूला लगेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन फर्स्ट रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर सेकेंड रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। ये सम बोर्ड में आ चुका है 5 मार्क में। 7 कॉलम्स ड्रॉ करें, पहले 2 कॉलम्स में क्वेश्चन कॉपी करेंगे। सबसे पहले आप इनका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे, बार एक्स सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो 1169 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, तो आपको आएगा 167। ऐसे ही वाई बार
सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन, तो 1176 डिवाइडेड बाय डेफिनेटली 7, क्योंकि एक्स और वाई दोनों 77 ही होंगी, 168। अब ये दोनों इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शन नहीं है, तो एक्स माइनस एक्स बार। अब कैलकुलेटर ऑन करें, कैलकुलेटर पे 170 टाइप करें, फिर माइनस का बटन टाइप करें, फिर 167 टाइप करें और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करें, तो आपको कैलकुलेटर पे 3 नजर आएगा। अब ऑल क्लियर नहीं दबाना है, ये वाला बटन नहीं दबाना है। अब आपको 169 प्रेस करना है और इज इक्वल टू दबाना है। ऑल क्लियर नहीं दबाना है पूरी प्रक्रिया में। अब 168 टाइप करो, 168 टाइप करो और इज इक्वल टू का बटन दबाओ, तो आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 1 नजर आएगा। फिर 167 टाइप करो, फिर इज इक्वल टू का बटन दबाओ, तो आपको 0 नजर आएगा। फिर 166 टाइप करो, फिर इज इक्वल टू का बटन दबाओ, तो आपको -1 नजर आएगा। फिर 165 टाइप करो कैलकुलेटर पे और इज इक्वल टू का बटन दबाओ, तो आपको -2 नजर आएगा। फिर 164 टाइप करो और इज इक्वल टू का बटन दबाओ, तो आपको -3 नजर आएगा। सारी कैलकुलेशंस हो गई। अब जीटी प्रेस करो, ये वाला बटन जीटी, तो 0 आएगा और वो 0 आना चाहिए, 0 नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। अब ऑल क्लियर कर दो। अब ऑल क्लियर करो। अब हम निकालेंगे वाई माइनस वाई बार, उसमें 172 टाइप करो, ये वाला 172, फिर माइनस का बटन दबाओ और 168, फिर इज इक्वल टू का बटन दबाओ, तो आपको 4 नजर आएगा। अब ऑल क्लियर नहीं दबाना है, याद रखना है ना। अब 168 टाइप करिए, फिर इज इक्वल टू दबाइए, तो आपको 0 नजर आएगा। अब 170 टाइप करिए कैलकुलेटर पे, ऑल क्लियर नहीं दबाना है, 170 टाइप करके फिर इज इक्वल टू टाइप करिए, 2 नजर आएगा। फिर 168 टाइप करिए और इज इक्वल टू दबाइए, तो आपको 0 नजर आएगा। फिर 165 टाइप करिए, फिर इज इक्वल टू दबाइए, तो -3 नजर आएगा। फिर 167 टाइप करिए और इज इक्वल टू दबाइए, तो -1 आएगा। फिर 166 टाइप करिए और इज इक्वल टू दबाइए, तो आपको -2 नजर आएगा। अब जीटी दबाइए, ये वाला बटन जीटी, तो आपको 0 नजर आना चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशंस राइट है। तो ये हमने एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार कैलकुलेट किया। अब एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 1 जा 1, 0, 1, 4, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 3 3 जा 9। अब इनका टोटल करें, इनका टोटल करें, यू विल गेट 28। वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, फिर 0, 3 3 जा 9, 1, 4 एंड टोटल। अब एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, अभी हमें क्या करना है, 3 × 4 12, 2 × 0 0, 1 × 2 2, 0 × 0 0, -1 × 3 माइनस का तो +3, -2 × -1 तो 2, -3 × -2 इज 6, टोटल करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब आपको फॉर्मूला में पुट करना है, आर एक्स वाई इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय फर्स्ट रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर सेकेंड रूट वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। अब जो सेवेंथ कॉलम में आपकी वैल्यू है वो है एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार विच इज 25 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स बार का टोटल 28, रूट 28 और रूट 34।
√28 और √34। अब ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं। 25 टाइप करिए कैलकुलेटर में, डिवाइड का बटन दबाइए, फिर 28 टाइप करिए, फिर रूट का बटन दबाइए, फिर डिवाइड का बटन दबाइए, फिर 34 टाइप करिए, फिर रूट का बटन दबाइए, फिर इज इक्वल टू दबाइए, तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.810। 3 डिजिट्स लिखने के, ब्रह्मा विष्णु महेश। नेक्स्ट, फटाफट ड्रॉ करें 7 कॉलम्स। अब एक्स का टोटल और वाई का टोटल, बार एक्स सिग्मा एक्स अपॉन एन, 180 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, 30। वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन, 132 डिवाइडेड बाय 6, डेफिनेटली 22। दोनों ही इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शन नहीं है। एक्स माइनस एक्स बार, कैलकुलेटर ऑन करें, 24 टाइप करें, फिर माइनस का बटन दबाएं, 30 टाइप करें, इज इक्वल टू का बटन दबाएं। अब लाल बटन नहीं दबाना है, 26 टाइप करें, इज इक्वल टू टाइप करें, 32 टाइप करें, इज इक्वल टू का बटन टाइप करें, 33 टाइप करें, इज इक्वल टू का बटन टाइप करें, 35 टाइप करें, इज इक्वल टू का बटन टाइप करें, 30 टाइप करें, इज इक्वल टू का बटन टाइप करें। सारी कैलकुलेशन हो जाने पर जीटी का बटन टाइप करें, ये रहा जीटी का बटन, तो वो 0 आना चाहिए। अब ऑल क्लियर दबाइए वापस, वाई माइनस वाई बार के लिए 27 टाइप करिए, फिर माइनस, फिर 24 टाइप करिए, 2, फिर 22 टाइप करिए, फिर 20 टाइप करिए, 15 टाइप करिए एंड 24 टाइप करिए। अब जीटी प्रेस करें तो इट हैज टू बी 0। तो हमने 27 माइनस 22 किया, फिर इक्वल टू, फिर 24 इक्वल टू 22 इक्वल टू करके अपन ने कर दिया। अब एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 2 जो 4, 3 3 जो 9, 5 5 जो 25, 0 और इनका टोटल। उसी तरीके से वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, 5 5 जो 25, 2 2 जो 4, 0, 2 2 जो 4, 7 7 जो 49, 2 2 जो 4 और इनका टोटल। अब एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, ध्यान रहे माइनस का साइन, -6 × 5 माइनस का इज -30, -4 × 2 इज -8, 2 × 0 इज 0, 3 × 2 माइनस का -6, 5 × 7 माइनस का 35 नेगेटिव, 0 × 2 इज 0 एंड टोटल। अब फॉर्मूला डालेंगे, आर एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन फर्स्ट रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, सेकेंड रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। तो जो 7th कॉलम है उसमें -79 है, फिर √90, √86, √90, √86। कैलकुलेटर ऑन करें, 79 टाइप करो, फिर ये वाला माइनस का बटन टाइप करो, तो आपको स्क्रीन पे 79 नेगेटिव नजर आएगा, प्लस माइनस वाला होता है ना, फिर डिवाइड का बटन टाइप करो, 90 टाइप करो, फिर रूट का बटन टाइप करो, फिर डिवाइड का बटन टाइप करो, 86 टाइप करो, रूट का बटन टाइप करो, इज इक्वल टू टाइप करो, तो आपको आंसर आ जाएगा 0.8979 है, तो 0.898। अब ये मई 2021 वाले ईयर में आ चुका है। आई होप आप पहले खुद करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, पॉज करके आप खुद करें फिर सॉल्यूशन देखें। बोर्ड में आ चुका है 5 मार्क्स में,
सबसे पहले आपने टोटल किए, इसका भी टोटल किया, बार एक्स निकाला, सिग्मा एक्स अपॉन एन 640 डिवाइडेड बाय क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 किया, राइट 64 आया। फिर वाई बार निकाला, 610 डिवाइड बाय 10 61, दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो एक्स माइनस एक्स बार 60 माइनस 64 इज इक्वल टू, फिर 80 इज इक्वल टू, फिर 50 इज इक्वल टू, फिर 80 इज इक्वल टू, 95 इज इक्वल टू, 40 इज इक्वल टू, 70 इज इक्वल टू, 40 इक्वल टू, 35 इक्वल टू, 90 इज इक्वल टू, पूरे प्रक्रिया में ऑल क्लियर नहीं दबाया है ना, लाल बटन दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ हाँ दिख रहा है, नहीं दबाना था ऐसा याद रखना, धमाल पिक्चर में है ना। 50 माइनस 61 इज इक्वल टू, फिर 75 इज इक्वल टू, फिर 60 इज इक्वल टू, ऐसे करके आपने पूरा ये निकाला एंड जीटी प्रेस किया तो जीरो आ गया। अब एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, कैलकुलेटर ऑन अलाउड है, यू कैन डू इट ऑन द कैलकुलेटर्स, राइट, बड़े नंबर से, एंड देन टोटल, फिर 121, 11 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, एंड देन टोटल। एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, माइनस का साइन ध्यान रखना, 44, 224, 14, 384, 504, 24, राइट, एंड टोटल। अब फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार अपॉन फर्स्ट रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, सेकेंड रूट वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, तो जो सेवेंथ कॉलम है आपका उसमें वैल्यू है 3 पाई 3 पाई डिवाइडेड बाय रूट में 4390 एंड 3490। कैलकुलेटर ऑन करें, 3 पाई 3 पाई टाइप करें, डिवाइड का बटन टाइप करें, 4390 टाइप करें, रूट का बटन टाइप करें, फिर डिवाइड का बटन टाइप करें, फिर 3490 टाइप करें, रूट का बटन टाइप करें, इज इक्वल टू का बटन टाइप करें, और आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे नजर आएगा। ये सब खुद करेंगे, मार्च 2016 में पूछा गया है, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। लेट अस गो फॉर द फोर्थ सम। अब इस सम में खास बात है कि सारी वैल्यूज बहुत छोटी हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज भी छोटी हैं और साइज भी छोटा है। उस केस में वी हैव एन अल्टरनेटिव फॉर्मूला, व्हेन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स आर स्मॉल, तो फॉर्मूला है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस इन ब्रैकेट्स सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन फर्स्ट रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सेकेंड रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब इसको गाने की तरह याद कर सकते हैं, एन सिग्मा एक्स वाई, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सेकंड रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। आई एम यूजिंग सेकंड रूट, मीन्स डेफिनेटली देयर वाज अ फर्स्ट रूट, तो गाने में फर्स्ट रूट मैंने नहीं डाला है। आई रिपीट, एन सिग्मा एक्स वाई, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सेकंड रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब डेफिनेटली सेकंड रूट है तो फर्स्ट रूट भी होगा, तो एक ट्रिक है, आप रैम से ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, करेक्ट, ये फॉर्मूला लगेगा जब वैल्यूज हमारी छोटी हैं, जैसे इस सम में। तो हमें 5 कॉलम्स बनाने हैं, एक्स का टोटल, वाई का टोटल, एक्स का स्क्वायर, तो कैलकुलेटर ऑन करें। अब इस पे भी एक ट्रिक है, अब 12 टाइप करें कैलकुलेटर पे, इंटू फिर इज इक्वल टू 144, फिर 8 इंटू इज इक्वल टू 64, फिर 9 इंटू इज इक्वल टू 81, 10 इंटू इज इक्वल टू 100, 8 इंटू इज इक्वल टू
64, 11 इंटू इज इक्वल टू 121। अब जीटी प्रेस करो, जीटी, तो आपको टोटल आ जाएगा। अब ऑल क्लियर कर दो, ऑल क्लियर कर दो। अब 11 इंटू इज इक्वल टू 121, 10 इंटू इज इक्वल टू 100, 4 इंटू इज इक्वल टू 7 इंटू इज इक्वल टू 13 इंटू इज इक्वल टू 16 इंटू इज इक्वल टू। अब जी टी प्रेस करें, 711। अब ऑल क्लियर करें, एक्स वाई 12 इंटू 11 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 8 इंटू 13 इज इक्वल टू 11 इंटू 16 इज इक्वल टू 8। एंड देन जीटी। ऐसे आप कैलकुलेटर पे, इसका फायदा यह है कि मान लीजिए आपने इधर 16 की जगह 61 लिख दिया एग्जाम में, पर जीटी प्रेस करोगे तो ये तो राइट ही आएगा, क्योंकि कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करता। कभी कभी हम एग्जामिनेशन टेंशन में यहाँ पे 36 की जगह 63 लिख दिया, पर अगर जीटी का बटन यूज करोगे तो जीटी तो आपको यही देगा, तो मार्क्स आपके नहीं जाएंगे कैलकुलेटर का सही उपयोग करोगे तो। अब एन सिग्मा एक्स वाई, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर सेकंड रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। दिस इज अ ट्रिक टू लर्न द फॉर्मूला, करेक्ट। अब ब्रैकेट ओपन करें, एन इज सिक्स, क्योंकि सिक्स 1 2 3 4 5 एंड सिक्स, तो एन इज सिक्स। फिर सिग्मा एक्स वाई जो आपका लास्ट कॉलम है 598 माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 58 एंड 61 अपॉन एन विच इज ब्रैकेट ओपन सिक्स इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर 574 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो ये जो नंबर है ना वही नंबर होगा 58 का होल स्क्वायर, सेकंड रूट एन विच ब्रैकेट ओपन करेंगे 6 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर है 711 माइनस ये जो नंबर है ना 61 उसका होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेटर ऑन करें एंड इफ यू विल वर्क आउट यू विल गेट दीज वैल्यूज। अब कैलकुलेटर ऑन करें, टाइप करें 50, फिर डिवाइड का बटन टाइप करें, फिर 80, फिर रूट का बटन टाइप करें, फिर डिवाइड का बटन टाइप करें, 545 टाइप करें, फिर रूट का बटन टाइप करें, फिर इज इक्वल टू का बटन टाइप करें एंड यू विल गेट द आंसर। ये सब आप पहले खुद करेंगे, 5 कॉलम्स है क्योंकि छोटी वैल्यूज हैं, फिर आप देखेंगे। होप आपने कर लिया है, फिर देख रहे हैं, राइट। एन सिग्मा एक्स वाई, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर सेकंड रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अ ट्रिक टू लर्न द फॉर्मूला। एंड याद रहे ये सारी वैल्यूज अपन ने टेबल में से ली है, ये वाले का स्क्वायर इधर आता है, ये वाले का स्क्वायर इधर आता है, एन सेवन है, एन सेवन कैसे है वो क्लियर है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 राइट, एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट ऑन द कैलकुलेटर यू विल गेट दिस 0.82। एक और सम है, ये भी आप खुद करेंगे पहले, इट्स अ वेरी सिंपल सम एंड देन यू विल सी द सॉल्यूशन, राइट। फॉर्मूला अब आपको रिदम से लर्न हो जाना चाहिए, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, करेक्ट।
And if you put the values, you'll get the answer. You'll get this -0.96. अब मैं आपको जो बोर्ड का एग्जाम था जो आपने पहले किया होगा उसका मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ. ये चेक करें इसका सॉल्यूशन. एंड देन यू पुट द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर. विश यू गुड लक.